और इससे पहले कि वसीम साहब के आप शेर सुनें, मैं सर बहुत सारा थैंक यू आपको, बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया। बुजुर्गों का क्या होता है, इतना वात्सल्य होता है उनके अंदर कि हमने एक बार इसरार किया कि सर आपको लल्लन टॉप अड्डे पर ज़रूर चलना है और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। थैंक यू सो मच आपका। और शायरी तो सुनेंगे ही, नज़में गज़लें सब सुनेंगे ही, पर बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछना चाहते हैं। और लल्लन टॉप अड्डे की ये खासियत है कि यहाँ सिर्फ एंकर को पूछने का मौका नहीं मिलता है, जिन लोगों ने हमें लल्लन टॉप बनाया है उन लोगों को भी खूब सारा मौका मिलता है, तो वो सवाल जवाब भी होगा और सुनेंगे भी आपसे। शुक्रिया। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का कोई अपना मकान नहीं होता। वसीम साहब का शेर है, उसी चराग की तरह वसीम साहब का वजूद भी है, हमारे बीच आए हैं। बहुत बहुत स्वागत वसीम साहब आपका। थोड़ी आवाज़ बढ़वाइए, आवाज़ कर देना थोड़ी। बरेली झुमके की वजह से मशहूर हैं जो गिरा था, जबकि मशहूर वसीम साहब की वजह से होना था। बरेली की कुछ यादें बताइए। बरेली की जलती फिरती याद तो मैं ही हूँ। बिल्कुल बेशक, इसलिए कि बरेली मेरा वतन है, वहाँ की मिट्टी का एक छोटा सा ज़र्रा हूँ। वहाँ की दुआएं और वहाँ के लोगों की मोहब्बतों ने आप तक पहुँचाया, पूरी दुनिया तक पहुँचाया। अगर मिट्टी जरखेज ना हो तो कभी भी उसके अंदर बाली नहीं आ सकती, कभी भी उसके अंदर फल नहीं आ सकता। ज़ाहिर है ये उसी मिट्टी की देन है कि जो आज आपके रूबरू हूँ और आपके सामने हूँ। बरेली कई एतबार से जाना जाता है पूरी दुनिया में, रूहानी सरजमीन है, नाथ नगरी कहलाती है, आला हजरत की सरजमीन है, रूहानियत का फैज़ वहाँ से जारी होता है। और बरेली अपनी तहजीबी कदरों के लिए इतना मशहूर है कि वहाँ रोहिलास की हुकूमत रही। अगर आप उनकी तारीख उठाकर देखें तो आपको हैरत होगी कि ऐसी मुश्तरका तहजीब की निशानियाँ शायद ही किसी शहर के अंदर मिलती हों जितनी कि बरेली के अंदर मिलती हैं। इसीलिए हमारे वजूद के साथ आपसी मोहब्बत, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम, एक दूसरे के भावनाओं का आदर और रवादारी, ये बरेली की मिट्टी की खासियत है जो आज भी बरेली की पहचान बनी है। बहुत बढ़िया। आपका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। मैं चाहूँगा आप ये पूरी गज़ल सुना दें अगर आपको याद हो, कि आते आते मेरा नाम सर है। वो यूँ है कि आपका ये सिलसिला जो है लल्लन टॉप का, नाम तो इसका बहुत ही अजीब व गरीब है, और नाम क्या बल्कि इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। बचपन में कभी सुना करते थे इसको, आप लोगों ने उस सुनी हुई चीज़ को हकीकत बना दिया और उसको बाकायदा एक ज़रिया बना दिया कि लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। तो इसका मतलब ये कि ये अड्डे से निकली हुई चीज़ है, और जो हमारी कहना चाहिए हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब जो है, वो असल में उन्हीं जगहों के ऊपर सांस लेती हुई और आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है जहाँ पर हमारी पुरानी विरासतें हैं। तो मेरे ख्याल में ये नाम जो है ये भी बहुत पुरानी विरासत है जिसको आप ले कर चल रहे हैं, और उसके साथ इतनी चीज़ें जोड़ गई हैं पूरी दुनिया के अंदर आपके इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसके अंदर वैरायटी पेश करते हैं, इसमें एक रंग नहीं होता बल्कि बहुत से रंगों का मजमुआ है आपका ये चैनल या आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसकी मुबारकबाद के साथ मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था, जी जी, कि जिस गज़ल के लिए आपने इशारा किया है तो मुझे यकीन है कि यहाँ पर शेर पसंद लोग मौजूद हैं। मतलब उसका यूँ है, और मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ। जी जी। तो वो यूँ है कि आते आते, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ूँगा, बाकी सब कुछ आपको करना है। आते आते मेरा नाम सा रह गया, नाम नहीं नाम सा, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया। बहुत शुक्रिया। आते आते मेरा नाम सा रह गया, इसमें वो शेर भी आएंगे जो आपको जगजीत जी की आवाज़ में सुनने को नहीं मिले हैं, तो मुझे लगेगा कि आप तक पूरी गज़ल पहुंच जाएगी। आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया, उसके होंठों पे कुछ कांपता रह गया। रात मुजरिम थी, दामन बचा ले गई,
रात मुजरिम थी, दामन बचा ले गई, दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। वाह क्या बात। रात मुजरिम थी, दामन बचा ले गई, दिन गवाहों की सफ में खड़ा रह गया। और शेर है कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। क्या बात। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। ये शेर सुनिए गौर से और देखिए इस मंजर को कि वो मेरे सामने ही गया और मैं, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। क्या बात है। आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। और ये शेर भी आप तक नहीं पहुंचा होगा, सुन लीजिए कि आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम, उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम, और वो जीने का हक मांगता रह गया। क्या बात, क्या बात। लहजे का ये ठहराव, ये शाइस्तगी सुनकर इन्हीं का एक शेर याद आता है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वसीम साहब, बचपन में आपके यहाँ जिगर मुरादाबादी साहब का बहुत आना जाना था, आपने उनसे काफ़ी सीखा, पढ़ा मैंने इस बारे में बहुत खूब, तो आप ज़रा बताइए कि किस तरह से उन्होंने आपको शुरुआती दिनों में गाइडेंस दिया या आपने क्या हासिल किया उनसे। देखिए मेरे ख्याल में ये इस तवील इंटरव्यू का तो ये मौका नहीं है। जी बिल्कुल, आप मुख्तसर बताएं। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया, मेरे वालिद साहब जिगर मुरादाबादी साहब के शागिर्द थे और कभी कभी वो तशरीफ़ लाते थे गरीब खाने के ऊपर, तो मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। मैं छठे क्लास में पढ़ता था, उस वक्त से ये काम शुरू हो गया था, कुछ शेर टूटे फूटे लिखने लगा था, वालिद साहब उसकी इसलाह कर दिया करते थे। तो वाकया यूँ था कि एक मरतबा हम लोग उन दिनों में रामपुर थे, तो नुमाइश के मुशायरे में जिगर साहब वहाँ आए हुए थे, वालिद साहब उनको घर पर ले आए, घर पर उन्होंने मुझे उससे सलाम करवाया, मैंने सलाम किया अदब से उनको, उसके बाद उन्होंने कहा देखिए ये शेर कहता है, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी उम्र को जांचा और मुस्कुराए, बोले पढ़ने में कैसा है, बोले सब पढ़ने में तो साहब फर्स्ट आता है। तो उन्होंने कहा बेटे शायरी के लिए उम्र पड़ी है, अभी तुम पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर शायरी करते रहना। तो शायद उनकी बुजुर्गी का असर था, उनकी शफकत का असर था कि उसके बाद फिर मैं उसकी तरफ से हट गया, अपनी पढ़ाई में लगा रहा, फिर आगे चलकर ये सिलसिला जो था बढ़ा, और अब आपके सामने जो है तो पूरी ज़िंदगी ही शायरी की नज़र होकर रह गई है। तो शायद उन्हीं की दुआओं का असर था कि आज आपके सामने बैठा हूँ। जब आप शायरी सीख रहे थे एक तरह से, हालांकि ये इनबिल्ट होती है, अंदर से आती है, किन शायरों को आप पढ़ा करते थे या किन्हें पसंद किया करते थे बहुत ज़्यादा? देखिए मैंने पढ़ने का चूँकि शौक़ था, तो मैंने अंग्रेज़ी अदब, हिंदी अदब और उर्दू का बराबर मुताला मेरे साथ रहा। लेकिन जिस बात को आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं कि, और ये बात बच्चों ख़ास तरीके से सुनूं, कि शायरी सिर्फ खुदा दाद है। जो फाइन आर्ट्स है ना, चार फाइन आर्ट्स हैं आपके, पेंटिंग है, डांस है और मौसीकी है, म्यूज़िक है, संगीत है। आपने देखा होगा कि संगीत की भी एकेडमी होती सिखाने के लिए, आपने देखा होगा पेंटिंग की भी एकेडमी होती सिखाने के लिए, डांस की भी एकेडमी होती, लेकिन आज तक शायरी की एकेडमी नहीं सुनी होगी सिखाने के लिए आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अकेला फाइन आर्ट है जो कहीं सिखाया नहीं जाता है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी से किसी के पास आता है। और जैसा कि नीरज जी ने कहा है कि मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, तो ये ऊपर वाले का कर्म होता है जिसके साथ होता है। वो उस्ताद आपको सिर्फ ये तो बता सकता है कि ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ, ये तरकीब गलत इस्तेमाल हुई, ये इजाफत गलत इस्तेमाल हुई, लेकिन शायरी आपका हक है। अगर आपके अंदर शायरी है तो उस शायरी को पूरी आज़ादी के साथ बाहर लाइए, अगर आपके अंदर दम होगा
तो जिस अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही की बात को सर्टिफाई करता है एक कोट भी है कि थ्री थिंग्स कैन नॉट बी टॉट, पोएट्री, सिंगिंग एंड जनरोसिटी। इसी बात को आपने और ज़्यादा अच्छे अल्फाजों में कहा। मुशायरों का क्या बातें हैं आपके, आपको लगता है उनका गोल्डन पीरियड बीत चुका है? देखिए, मुशायरा भी एक पूरा एक सब्जेक्ट है बोलने के लिए और एक लंबी कहानी है। चूँकि मैंने तीन नस्लों के बीच रहा हूँ, मैं 56-57 साल से स्टेज के ऊपर हूँ। मैंने वो वक्त भी देखा है जब फिराक साहब के कदमों में हम बैठते थे, वो वक्त भी देखा है कि जिस वक्त सरदार जाफरी साहब और दीगर बड़े शुरा जो थे उस ज़माने के, सिकंदर अली वज, जगन्नाथ आज़ाद साहब, ये तमाम शुरा थे, इनके आनंद नारायण मुल्ला साहब, इन लोगों के साथ साथ क्या बल्कि उनके कदमों में बैठने का मौका मिला। उसके बाद फिर आगे सिलसिला बढ़ा। लेकिन मुशायरों में जो पहला तासुर हमारे जहन पर कायम हुआ शुरू में, तो उसमें उस वक्त उर्दू की तालीम घरों में होती थी, उर्दू की तरबियत हुआ करती है। उर्दू तालीम से ज़्यादा तरबियत की चीज़ है और तरबियत का बेहतरीन नमूना जो है वो शायरी है। तो ये सारे संस्कार जो थे घरों से मिला करते थे। उस ज़माने में बच्चे जो थे वो बुज़ुर्गों के लिए, हम चाय बनवा के लाते थे बुज़ुर्ग शायरों के लिए, या बड़े लोगों के लिए जो ड्राइंग रूम में या बैठक में बैठे होते थे उनके लिए पान बनवा के लाते थे। और अगर मुँह से कोई लफ्ज़ गलत निकल गया तो मियाँ क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या वालिद साहब की नाक कटवाएंगे आप बार। ये तरीका था ज़ुबान को सिखाने का, ज़ुबान को संभालने का और लोगों में वो संस्कार पैदा करने का। इसी तरीके से बड़े बड़े लोग अपने यहाँ पर कविताओं का सिलसिला सुनते थे, वो सुनने से जहन जो था पूरा शायरी की तरफ मुतवज्जे होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़माना इतनी तेज़ी से बदला कि वो सोबतें ख़त्म हो गईं, वो बैठकें ख़त्म हो गईं, और वो जो बच्चों की इस्लाह का तरीका हुआ करता था जिसके अंदर अखलाक की भी इस्लाह होती थी, समाजी इस्लाह भी होती थी, शायरी की इस्लाह भी हुआ करती, वो सारा सिलसिला ख़त्म होकर टीवी और जनाब अली अब तो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई उनके सपोर्ट हो गया। लिहाजा वो जनरेशन जो उस ज़माने में मुशायरे सुना करती थी सुबह 4-5 बजे तक, वो तो रुखसत हो गई। मगर आज के ज़माने में एक नई चीज़ पैदा हुई है, वो इन्फॉर्मेशन। ये दौर जो है वो नॉलेज का दौर नहीं है, ये दौर इन्फॉर्मेशन का दौर है। मालूमात आपकी बहुत है, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु कहलाता था, उसका कहीं ना कहीं कमी आई है और उसको दूर होना चाहिए मैं समझता हूँ। मगर आज इस ज़रिए से ये जो आपका इंटरनेट, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, आपका इंटरनेट और यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने फैला बहुत दिया। हमारी शायरी उस ज़माने में पढ़ी इतनी नहीं जा रही थी जितने आज के नौजवान इसको सुन रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है, इसलिए मैं इस इनकलाब की भी इस्तकबाल करता हूँ। मैं इस इनकलाब का इस्तकबाल करता हूँ कि नई जनरेशन तक जिस तरीके से हम पहुँचे हैं, उस ज़माने में सीनियर और बड़े लोग जो थे वो तो शायरी सुनते लेकिन हमारे बच्चे उससे वाकिफ नहीं थे। आज नई जनरेशन जिस तरीके से इसके ज़रिए जुड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत बड़ी उम्मीद अफजा बात है। मगर इन बच्चों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सुनिए, पढ़िए, लिखने की भी कोशिश कीजिए, मगर अपने माजी को पहले दोहरा लीजिए। किताबों के ज़रिए आप पूरी 200-250 बरस की, 300 बरस की जो तारीख है ज़ुबान की, अदब की, शायरी की, सकाफत की, उसको पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए। इसलिए कि कोई पौधा जड़ से उगता है तो देर तक रहता है और ट्रांसप्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है। लिहाजा जनरेटर को इस बात की बहुत ज़रूरत है, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा। और मैंने अभी हाल में एक शेर कहा है नया, और मैं बताना चाहता हूँ कि तहजीबी दर्द मेरा क्यों है, आप ही लोगों को देख कर है, इसीलिए मैं आपको जरा आमादा करना चाहता हूँ उस तरफ। मैंने नया शेर यूँ कहा है कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे। बताइए कितनी बड़ी हकीकत बयान हो गई है, आप लोग मुझे सुन के बताइए कि इतना बिखराव संभाला नहीं जाता मुझसे, खुद को YouTube पे डाला नहीं जाता मुझसे। आपने सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रभाव की बात की, इसी सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो नई पीढ़ी है इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल कर रही है तो बुरा भी कर रही है। आज व्हाट्सएप पे एक फेक इमेज आ जाती है, एक फेक न्यूज़ आ जाती है और आंधी की तरह फैल जाती है, फिर उसके बाद लोगों का माथा गर्म, कोई डिफेंड कर रहा है, कोई लड़ रहा है। आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, इन बच्चों को, आपके सभी बच्चे हैं, कि वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य में होनी चाहिए और वो जो चेक करता रहे कि भाई क्या मैं इस पैमाने पर ठीक हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि
ये सोशल मीडिया इस वक्त बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है. और इसमें जो बड़ी ख़ास बात है वो ये है कि आप किस तरीके से लगी हुई आग में से अपने आप को निकाल कर बाहर लाएं. यानी नेगेटिव चीज़ें, जाहिर है कि इंसान की फितरत में है, चमक की तरफ दौड़ता है. यानी बच्चा है, पैदा होता बच्चा होता है, छोटा बच्चा, आप देखते हैं कि अंगारा, उसकी नज़रें अंगारे को कबूल करती हैं, अंगारे की तरफ हाथ बढ़ाता है. हैं, आप रोकते हैं उसको, डांटते भी हैं नहीं, लेकिन जिस दिन वो छू लेता है तो उसका हाथ जलता है, तब उसको मालूम होता है अंगारा क्या चीज़ होता है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी तलवार की धार है जिसके ऊपर अगर आप संभल कर नहीं चले तो सफ़र मुश्किल हो जाएगा. इसमें संभलने की ज़रूरत है और इसमें संस्कारों की ज़रूरत है. जिसके जैसे संस्कार होंगे वो वही चीज़ कबूल करेगा, इसमें उसकी कोई दोष नहीं है. आपके जैसे संस्कार होंगे वैसा ही आप कबूल करेंगे. अगर अच्छे संस्कार आपको घरों से मिल रहे हैं तो आप अच्छी चीज़ को कबूल करेंगे उसके ऊपर. और माफ़ कीजिएगा, अगर बिखरा हुआ मामला है तो बिखरी हुई चीज़ों में आप उलझ कर रह जाएंगे और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारी जनरेशन का, हमारी नई नस्ल का. मैं नई नस्ल को जिम्मेदारी ये सौंपना चाहता हूँ कि अब हम जहाँ पहुँच चुके हैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए, इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान के माहौल के ज़रिए, अब इस माहौल को अगर बना सकते हैं तो आप नौजवान बना सकते हैं. अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था, हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ पर भी हों. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मेरी नज़र में सबसे बड़ी समस्याएँ दो हैं. पहली आबादी की जनसंख्या की समस्या है. इसके खिलाफ आंदोलन चलाइए, इसके सिलसिले में कोशिश कीजिए. और इसके अंदर कोई सख्ती की ज़रूरत नहीं है, दो तरीके होना चाहिए, सरकार की सतह पर, सामाजिक सतह के ऊपर, कि हम लोगों को बताएं, जागरूकता अभियान चलाइए और साथ ही साथ उसके अंदर प्रोत्साहन का भी अभियान चलाइए कि ऐसे लोगों को हम हिम्मत अफजाई करेंगे, उनकी पजीराई करेंगे, जो समाज को संतुलित रखने के लिए आबादी की तरफ तवज्जो देंगे, जनसंख्या की तरफ तवज्जो देंगे. दूसरा, जो हमारा चरित्र का हनन हुआ है, 70 साल में हमने बहुत तरक्की की है, मगर हम अपनी तरफ घूम के देखेंगे तो मालूम होगा कि हमने कहीं ना कहीं अपने चरित्र को बहुत खोया है. इस चरित्र को शुरू करना पड़ेगा घर से. और आज हम जिस स्टेज को पर आ चुके हैं कि ईमानदारी और बेईमानी में तमीज़ करना भूल चुके, जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करना भूल चुके, हलाल और हराम में फ़र्क करना भूल चुके, बच्चों तुम खड़े हो गए तो ये बदला जा सकता है. ना कोई हुकूमत बदल सकती है, ना कोई सोसाइटी बदल सकती है, ना CBI बदल सकती है, ना एंटी करप्शन बदल सकता है. आप सवाल करो अपने घर के अंदर पिताजी से कि आपकी तनख्वाह तो है 30,000 रुपये महीने की, ये 1,00,000 रुपये का TV कहाँ से आया? ये बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, मैं इनको आमादा करता हूँ, घरों में बगावत की दावत देता हूँ. इनकी ज़िंदगी में 3 मर्द आएंगे, 1 मर्द आएगा बाप के पिता की शक्ल में, दूसरा आएगा पति की शक्ल में, तीसरा आएगा बेटे की शक्ल में. जिस दिन बच्चियों ने सवाल कर लिया कि सब्जी उस दिन बनेगी जिस दिन ईमानदारी की सब्जी घर के अंदर आएगी, वरना सब्जी नहीं बनेगी. वरना इस देश को कोई नहीं बदल सकता. मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ कि आप घरों में सवाल कायम कीजिए. जिस दिन आपने पिताजी से सवाल कर लिया, न हुकूमत उनको देनाबरी जेल भेज करके क्या कर देगा, उसके बाद कैरेक्टर तो बदलेगा. कैरेक्टर को अगर बदल सकते हैं, अंदर से कहीं आत्मा जाग सकती है बाप की और माँ की, तो उस वक्त जागेगी जिस वक्त के बेटा और बेटी सवाल करेंगे कि हम ये पैसा नहीं खाएंगे जो नाजायज आएगा घरों के अंदर. अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मेरी इस बात को अपने गिरह में बांध लीजिए और यहाँ से ये ख्याल लेकर उठिए कि हम इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तभी बदल सकता है. आपका भविष्य आपके हाथ. ये वो बातें हैं जिन्हें प्रिंट निकाल के अपने अपने कमरों में दीवारों पर लगा लेनी चाहिए. हम खुश नसीब हैं जो ये सुन पा रहे हैं. बुजुर्गों के पूरे अनुभव का निचोड़ है ये. वसीम साहब, कल यहाँ एक और शायर तशरीफ़ लाए थे जिन्हें पॉलिटिकल शायर कहा जाता है. आपकी भी कुछ चंद नज़मों में, गज़लों में कोई शेर, कोई अशार ऐसे मिल जाते हैं जिसमें से किसी पॉलिटिशियन का अक्स नज़र आता है. जैसे एक शेर है कि उसी को जीने का हक है इस जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए. या वो है आपका कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता. तो देखिए, इसमें अगर शायरी में चेहरा नज़र आ जाए तो मेरे ख्याल में वो शायरी की बहुत नाकामी की बात है. शायरी तो एक कहना चाहिए एक आपको पैमाना दे दिया, आपको एक पैमाना दे दिया गया, इसके ऊपर तोड़ लीजिए. हमारा काम है कि हम आईना देते हैं, शक्लें आप तलाश कीजिए.
बिल्कुल, शक्लें आपको मिलती चली जाएंगी, चाहे वो झूठ बोल रहा है बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, या मैंने कहा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। बिल्कुल, चेहरे आप चला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायरी कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखी जाती, किसी पर्टिकुलर हादसे के लिए नहीं लिखी, शायरी को हमेशा जिंदा रहना होता है, लिहाजा वो शायरी कभी बड़ी शायरी नहीं हो सकती जो एक हादसे के साथ पैदा हो और दूसरे हादसे के साथ ख़त्म हो जाए। शायरी खुद एक हादसा है और हमेशा रहने वाला हादसा है, जिसको जिंदा रहना चाहिए वो रहेगा हमेशा। वसीम साहब, आपने कहा कि ये सवाल, वसीम साहब आपने कहा कि ये शायरी की नाकामी, दरअसल शायरी की नाकामी नहीं है, ये उस शख्स की नाकामी है जो उस शायरी में झलक गया। देखिए, मैं कभी किसी आदमी के बारे में नहीं, आप कह सकते हैं, मैं तो शायरी कहूँगा। चलिए, और किन्हीं साथियों का सवाल हो, नीरज भाई सवाल फरमाइश ले लीजिए। आदाब सर, एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे दिल अजीज शायरों में से एक हैं, और सर मैं आपकी एक किताब पढ़ रहा था चिराग, तो उसमें मैंने आपकी एक नज़्म पढ़ी, वो इतनी खूबसूरत लगी मुझे सर, मतलब अगर आप वो उसके कुछ बंद सुना सकें तो, मैं तुम्हें दुख न दूँ तो किसको दूँ। बेटे मुझे याद नहीं है, असल में चूँकि नज़में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, आई एम सॉरी, फिर किसी मौके पर आपको सुना दूँगा। अच्छा सुनाइए। क्या आपकी है सर? हाँ, आपके ही सामने नजर करते हैं। मैं तुम्हें दुख ना दूं तो किसको दूं, कौन इतना करीब है मेरे, मेरा इतना तो अपना कोई नहीं, जो मुझे मुझसे दूर ले जाए, जो मेरे ऐसे वक्त काम आए, जब उम्मीदों का हर दिया बुझ जाए। बहुत शाबाश, शुक्रिया। नेक्स्ट। हेलो हेलो वसीम सर, मेरा नाम काशिफ अहमद है, और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बेसिक जो डिफरेंस होता है जी? बेसिक डिफरेंस जो शायरी और गज़ल में, कि जैसे सर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ और मैं लिख तो देता हूँ 10 लाइन या 12 लाइन जो भी हो किसी एक पर्टिकुलर मौजू को पकड़ के, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैंने ये शेर लिखी या गज़ल लिखी, जैसे मैंने सर और एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि किसी को सुनाए शायद ये कैसी है कैसी नहीं है, जैसे मैंने एक सर 2 लाइन है बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने लिखा था कि ये आईना तुझसे शिकायत है मेरी कि दोहरी नकाब वालों की भी पहचान होनी चाहिए, तो सर ये कुछ दिनों के बाद मैं किसी को सुनाया तो लगा कि हाँ कुछ सही है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो तो देखिए वक्त के साथ आ रहा है। हाँ, आप कहते रहे, आप कहिए कहते रहिए, दूसरी बात ये कि देखिए सबसे बड़ी बात जब आप गज़ल कहेंगे जी जी, तो उसमें वजन बहर इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है जी, ये किसी को दिखाइए तो आपको वजन में कर देंगे। ख्याल आपका बहुत अच्छा है जी, ख्याल आपका बहुत अच्छा है, और ये आपकी ओरिजिनलिटी है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को अपने ख्याल के मामले में आज़ाद होना चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ों के अंदर थोड़ी सी कमी या बहर की कमी होती है वो किसी उस्ताद को दिखाइए मकामी, तो वो आपको सही कर देंगे, लेकिन आपका ख्याल जिंदा है। अभी अभी वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। वसीम साहब आदाब जी, इधर से जोर से बोलिए थोड़ा सा। वसीम साहब आदाब, मैं आपको बहुत सुना है मैंने आपको, और मैंने 4 लाइनें लिखी हैं तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप मेरे अगर सब लोग खुद का सुनाने की जगह वसीम साहब का सुने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दरअसल हमने इनको सुना है तो ये हमेशा नई पीढ़ी पर बोलते हैं कि मुझे हमें अच्छा लगता है कि सुनना, तो जी तो मैं उसी पे कि किसी शख्स को कभी औकात से तोला नहीं करते, मेरे बड़े मुझसे कह गए कि आईने झूठ नहीं बोला करते, और मुझे फक्र है कि मैं जिंदा हूँ, वो तो मुर्दे हैं जो बोला नहीं करते। वसीम सर, अभी मुबारक भाई ने इशारे में कल के शायर का नाम जिक्र किया, और आज के मुशायरे के गिरते मयार पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुशायरा ना रहो करके पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टेज बन चुका है, और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, एक मोदी चुटकुला टाइप फेमस हो जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, ये हमारे अदब की दुनिया में बेअदबी मानी जाती है। बहुत अगर शायरी के प्लेटफॉर्म से किसी नाम का हवाला हो तो वो बेअदबी है, वो उसको अदब इजाज़त नहीं देता। अब कोई इंडिविजुअल अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको संभालने के लिए आप काफ़ी हैं, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत। अरे आपके हाथ में ताज है, आप कुछ ना कीजिए, खामोश बैठ जा रही है, उसकी कविता वहीं मर जाएगी, उसका शेर वहीं मर जाएगा। अगर व्यक्तिगत चीज़ें आ गई कविता में शायरी में तो वो कविता और शायरी नहीं होती, लेकिन अगर आप उसी पहलू उसकी और हिम्मत बढ़ेगी
ये तो आपके हाथ में है कि आप किन चीजों को आप पसंद कर रहे हैं। जो पसंद करेंगे वही जिंदा रहेंगी, और जब उस पर ताली बजाएंगे तो काय के लिए वो संजय शायरी करेगा। ये लड़ने का काम होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है। हम 57 साल लड़े हैं अदब के लिए, साहित्य के लिए। एक मिसरा और एक जुमला 57 साल में कान पकड़ कर कह रहे हैं अदब के खिलाफ, ना डाइस से कहा है, ना उसके उसके बारे में कुछ सोचा है, ना उसके बारे में लिखा है, पूरी जिंदगी अदब जिया। तो इसको कामयाब बनाना आपका काम है। देखिए जैसे आप होंगे वैसे ही तो आपका सारा माहौल होगा, अगर आप उस माहौल में उन चीज़ों को पसंद कर ले रहे हैं। मैं तो बड़ी हैरत करता हूँ कि आज के ये नौम्र बच्चे जनाब अली उन चीज़ों से दूर आकर अदब की बात सुन रहे हैं, अदब की बात कर रहे हैं, शायरी की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कि आपको तो लुभाने के लिए बेपना चीज़ें बाहर खड़ी हुई हैं, मगर आप सबको छोड़कर अदब के साथ बैठे हैं, ये आपके लिए मैं समझता हूँ मेरे दिल में बड़ी कदर होती है। मैं इसलिए बच्चों से ज़्यादा बात करता हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए। बहुत शुक्रिया। आप पूछिए। वसीम साहब मेरा आपको सलाम, और मैंने एक ही शेर सुना है आपका, और वो इत्तेफाक से मैं वो यूट्यूब देख रहा था और वो मैंने सुना उस पर। खैर आप जितनी मीठी बोली तो नहीं है, मैं हरियाणा से हूँ, वो सबको पता चल गया होगा मेरा। और ये हाल फिलहाल का जो राजनीतिक वो है, शायद मुझे लगा उस पर आपका था कि गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। तो ये आज का है आप कह रहे हैं? मैं तो सदियों से होता चला आ रहा है उसी के लिए। सही बात। और कोई दोस्त? जी जी वसीम साहब नमस्कार। नमस्कार। इधर इधर मैं इधर हूँ सर जी, इधर हूँ, मैं भी थोड़ा बुजुर्ग ही हूँ। वैसे बता दिया, शायरी सुनने वाले तो पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आप उनका क्या क्या करेंगे जो अच्छे अच्छे शायर हैं वो भी दरबारी शायर बन गए हैं। मैंने देखा है या तो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, अर्थात दरबारी शायरों की संख्या भी बढ़ गई है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैं उनके बारे में तो आप ही ने कह दिया, मैं क्या कहूँगा। मुझे खा के लिए कांटों में घसीट रहे हैं। मेरे क्वेश्चन है सर, आपने जैसे अभी बोले कि डांस का एक एकेडमी है, सिंगिंग का एक अपना एकेडमी है, क्या हम आपसे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायरी का भी एक एकेडमी हो? हो नहीं सकता। ये तो गॉड गिफ्टेड है। मैं आपको बताता हूँ कि एक वाकया है लखनऊ का, लखनऊ का वाकया है, बहुत पुराना वाकया। मीर अनीस के ख़ानदान का एक 12-14 साल का लड़का था, वहाँ पर तरह हुई, गाड़े देती है ज़मीन में मुझे गैरत मेरी, एक मिसरा तरह दिया गया, गाड़े देती है ज़मीन में मुझे गैरत मेरी। बड़े बड़े उस्ताद थे उस ज़माने में, ये समझा जाता था कि मिसरे पे मिसरा लगाना, जो मिसरा दिया जाए उसको गिरह कहते थे, गिरह लगाना, कि अगर इस पर कोई मिसरा लगा देगा, और लगाते थे उस्ताद लगाते थे, उसमें बाकायदा बहस होती थी और ज़ोर आजमाई होती थी कि किसका मिसरा अच्छा लगा। वो 14 बरस का बच्चा जो था उस ख़ानदान का, वो आता है, तमाम उस्ताद पढ़ चुके हैं, बड़े शुरा पढ़ चुके हैं, उसके बीच में उस बच्चे को बुलाया जाता है कि वो अपना कलाम पढ़े, और उसने मिसरा उसके ऊपर लगाया 14 साल के बच्चे ने, जहाँ पर बुज़ुर्ग जो थे मिसरे लगा चुके थे, उसकी पजीराई हो चुकी थी। जब बच्चे ने पढ़ा तो उसने कहा कि मैंने गिरह ये लगाई है कि वो तो पैदल चलें लाशा मेरा कंधों पे चले, वो तो पैदल चलें लाशा मेरा कंधों पे चले, गाड़े देती है ज़मीन में मुझे गैरत मेरी। अब ये उम्र थोड़ी तय है, उस बच्चे का मालूम हुआ कि पूरे लखनऊ में हंगामा मच गया के साथ जो गिरा उसने लगा दी। तो आपके पास वो सलाहियतें मौजूद हैं, आप अपनी सलाहियतों को बराबर आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। सिर्फ आपका उस्ताद आपके लफ्ज़ों की इस्लाह कर सकता है, बहर की इस्लाह कर सकता है, वज़न की इस्लाह कर सकता है, ख्याल आपका है, और हर आदमी अपनी तरीके से ख्याल के मामले में ऊपर वाले ने आज़ाद पैदा किया है, किसी को दूसरे के ख्याल नहीं मिला। एक आखिरी सवाल हो सर आपसे, बहुत बहुत निवेदन है कि पिता के ऊपर जो आपने एक गज़ल लिखी थी प्लीज़ सर सुना दीजिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो नज़्म है पिता के ऊपर सर, जो आपने लिखा जो आपने लिखा। नहीं मेरी वही उस तरह की तो नहीं सर, पिता के कब्र पर ऐसे कुछ आपने लिखा सर? एक नहीं, वो मेरी नहीं है, वो निदा फाजली साहब की नज़्म है, वो निदा फाजली साहब की नज़्म, मेरी नहीं। अच्छा मैं खुद ये फरमाइश करना चाहता हूँ कि हमने अपनी पसंदीदा तो बता दी, आप अपने ही कुछ अशआर जो आपको खुद को बहुत ज़्यादा पसंद हो वो सुना दीजिएगा जाते जाते।
मियाँ आप भी कमाल की बात कर रहे हैं, मुझे सभी पसंद है, कौन सी हालात को अलग कह सकता हूँ मैं अपनी बात से। फिर भी एक जो अभी आपको याद आ जाए एक जरूर सुनाए। देखिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि आप पांच औलादें हों आपकी, उसमें से कौन आपको सबसे ज्यादा पसंद इसका, है तो इसका फैसला आप यूं कर लीजिए कि जो आपके जहन में पहले आ जाए उसे सुना दें। ये बात अलग है, ये बात आपकी अलग है। अच्छा चलिए मैं सुनाता हूँ। यह कि मतलब उसका यूं है, मैं पेश करता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। गौर कर रहे हैं आप बच्चों से? शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। क्या बात है। शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। और ये बड़ा कीमती शेर है, गौर कीजिएगा और अपने याद भी रखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत काम आ सकता है। फिर वही तलखिया हालात मुकद्दर ठहरी नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। एक जुदाई का वो लम्हा, थोड़ी सी खामोशी, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं। लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। क्या बात है, बहुत। एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। और आखिरी शेर, फिर आपसे इजाज़त, कि हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका। तालियां बजाकर सर को रुखसत करें। करंट कहाँ है तालियों में? शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।